अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल मार्केट में DRL इशारे बहुत चल रहे हैं। सब लोग अपनी मोटरसाइकिलों में DRL लगा रहे हैं, तो मैं भी ये लेके आया हूँ DRL। आम दुकानों से ये मिल रहे थे 800 के 1000 रुपए के, मगर मैं होलसेल मार्केट से लेके आया हूँ एक पेयर 270 का, और दो पेयर मुझे मिले हैं 540 के। और अभी मैं आपको ये फिट करके दिखाऊँगा। अगर तो आपको थोड़ा बहुत भी मोटरसाइकिल का काम आता है तो आप ये बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी नहीं आता तो आप किसी मैकेनिक को 200-250 रुपया देकर ये फिट करवा लें। मैं अभी आपको ये फिट करके दिखाता हूँ, आप अगर थोड़ा सा समझें तो आप ख़ुद घर पे भी इनको फिट कर सकते हैं। बस ये दो वायर वैसे की वैसे हैं जैसे आम इशारों में होती हैं। ये जो ग्रीन वाली है ये DRL की है, ये आपको अलग से लगानी पड़ेगी, इसकी डिम लाइट में आपको लगानी पड़ेगी। ये आप इनकी लुक देख सकते हैं, हमारे अल्फा में मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छे लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनको अटैच करते हैं और देखते हैं कैसे लगते हैं। दोस्तों आप अगर थोड़ा बहुत काम जानते हैं तो आप एक इशारा उतारें और उसकी जगह एक लगा दें, फिर अगला उतारें, फिर वो लगा दें। आप एक ही बार सारी तारें ना उतारें, वरना आपको भूल जाएगा कि आपने कौन सी तार कहाँ लगानी है। तो आप एक उतारें, एक लगा दें। अब मैं ये एक उतारूंगा, एक लगा दूंगा। बस आपके जो ग्रीन वाली वायर है DRL की, उसका आपको थोड़ा समझना है। लो जी, ये फिट हो गया, ये फ्लेक्सिबल है, ये देख लें आप। इसी तरह दूसरा उतारना है और वो फिट कर देना आपने। पहले मैं उसकी वायर लगा देता हूँ जो मैंने पहले फिट किया है, ये उसकी तार लगा के, ये एक की, और ये देखें ये इशारा चल गया। अभी मैंने इशारा चलाया DRL की लाइट पे, इसके DRL की तार मैं बाद में लगाऊंगा। ये दूसरा अभी निकाल के उसी तरह से इसको फिट कर देना। ये इसकी वाशर अपनी होती है, इसके मडगार्ड के अंदर इसको लगाना मत भूलें, इसके साथ इसको लगाएं, वरना ये सही फिक्स नहीं होगा। दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझे तो आप खुद लगा सकते हैं, और अगर आपने कभी नहीं काम ये किया तो आप किसी मैकेनिक को 150-200 दे के लगवा लें, खुद ना लगाएं। यहाँ आप देख लें कि इनकी लुक कैसी लग रही है वीडियो में, आपको ये लगाने चाहिए कि नहीं। लो जी, ये भी फिट हो गया। ये जो दो तारे हैं ये DRL की हैं, इनको आपने इकट्ठा कर देना है, यहाँ से इन दो तारों की एक तार कर देनी है, वो बाकी सब वैसे की वैसे लग गई। तो ये मैंने इनको ऊपर से छील लिया, ये इनको ऐसे आपने इकट्ठा करना है, और इनके आगे ये एक रेड वायर आप लगा लें। ये लग गई,
और इसको आपने इसकी बैक लाइट की जो डिम लाइट होती है उसमें लगाना है आपने, पार्किंग लाइट या डिम लाइट कहते हैं जिसको। तो ये इसमें लग गई, इस तरह से लगा ले, ऊपर टेप कर दे। ये हमारा DRL भी चल गया और ये इशारे, लो जी ये पीछे के हो गए फिट। ये लुक आप देख सकते हैं कैसी निकल के आई है। अब फ्रंट के फिट करेंगे उसी तरह से, सेम उसी तरह से करना है। एक इशारा उतारे, उसकी दो तारे उतारने, दो तारे आपको कभी नहीं भूलेंगी कौन सी कहां लगानी है। जैसे उतारे वैसे ही उसकी दो तारे लगा दे, ग्रीन को छोड़ दें, ग्रीन वाली दोनों तारें DRL की हैं, वो दोनों आप बाद में इकट्ठी करके इसकी डिम लाइट के अंदर कहीं भी अटैच कर दें, पार्किंग लाइट के साथ आप अटैच कर दें। तो जी ये भी हमारा फिट हो गया। ये देख लें ये कैसा लग रहा है, और ये हमारा पहले वाला इशारा कैसा लग रहा है। लो जी DRL थोड़ी खूबसूरती बढ़ गई है। जैसे आपने तारें उतारी हैं वैसे ही इसकी दो तारें लगा दें, काली में काली और रेड में रेड। ये हो गया जी, इशारा भी चल गया। इसकी भी ये दोनों ग्रीन को छोड़ के ब्लैक में ब्लैक और रेड में रेड ये लग जाएगी। पहले आप तसल्ली से ये लगाएं, इशारे को चला के देख लें, इशारा चल जाए, उसके बाद एंड में आप DRL की तार लगा लें। तो ये हमारा ये इशारा भी चल गया। तो ये अब ग्रीन तारों का मैं एक कर रहा हूँ, इनके आगे एक रेड तार लगा रहा हूँ मैं। ये दोस्तों ये हो गया। अब ये मैं पार्किंग के अंदर लगा दूंगा, ये इसकी पार्किंग है। तो पार्किंग में इसको तार को नीचे डाल के ऊपर ये पार्किंग का बल्ब लग जाएगा। इसकी अपनी किसी तार को काटे मत, इसी तरह से लगा ले। ये देखें मैंने तार इसके अंदर फंसा के तो ऊपर बल्ब लगा दिया। अब ये हमारे DRL भी चल गए, ये देखें ये इशारे चल गए और DRL भी चल गया। तो इतना ही काम है। ये ले दोस्तों, बस थोड़ा समझने का काम है, आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये रात में देख लें DRL कैसा लग रहा है।